हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेड से बने बहुत ही टेस्टी नाश्ता बताऊंगी, जिसका नाम है ब्रेड रोल। आज मैं आपको ब्रेड रोल बनाना सिखलाऊंगी, जो कि बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में ही मिलते हैं, और ये बहुत महंगी डिश भी है। आपको मैं घर पे कैसे बनता है, मैं घर पे बना करके आपको होटल जैसा ही स्वाद आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी नाश्ता होगा, क्योंकि आप घर में बैठे बना सकते हैं और घर में ही 5-स्टार होटल का स्वाद ले सकते हैं। मार्केट में आपको कहीं भी ब्रेड आपको मिल जाएगा। तो आइए, चलिए हम आपको आज ब्रेड रोल बनाना सिखलाते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्रेड लिया है, जितना खाने का इच्छा लगे आप उस हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये आलू लिया है थोड़ी सी, मैं इस ये कच्चे हैं, मैं इसको अभी कुकर में उबालूंगी। आप जितना खाना पसंद करेंगे उस हिसाब से आप आलू को लेंगे। मैं अब इसे कुकर में उबालूंगी। अब मैं गैस जलाऊंगी। ये देखिए, मैंने गैस को जला दिया और मैं इस आलू को उबालूंगी। आप देख रहे हैं, मैंने गैस पे आलू उबालने के लिए रख दिया है। जब तक आलू उबलता है, तब तक हम और भी सामग्री ब्रेड रोल बनाने की तैयारी करें। ये देखिए, हरियर मिर्च, प्याज, टमाटर और लहसुन। अब सीटी भी लग चुकी है और हमारा आलू भी उबल चुका है। देखिए, मैं आलू को उबाल चुकी हूँ। अब मैं इसे कुकर से बाहर निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा आलू उबल चुका है। आलू उबलने के बाद इसको देखिए, मैंने सारे आलू मैंने यहाँ बॉल्स में निकाल दिया है। इसको थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके सारे छिलके हम निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने आलू को छील करके एक बॉल में मैंने आलू को रख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक गिलास से इसे हम मस लेंगे, इसे बारीक मस लेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे आलू को मसल लेना है। ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस हल्का सा बस इसको मसल देना है। ये देखिए, ये हमारा आलू मसल के तैयार। क्या करेंगे, मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर रही हूँ। आप अपना स्वाद के अनुसार से इसमें नमक आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए, ये लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हमने इसमें चिली पाउडर डाल दिए, सूखा मिर्च। अब ये सबको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैं गैस जलाऊंगी और इस पैन को गर्म करूंगी। ये पैन गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ सारे चीज़ को काट लिया है, प्याज, हरियर मिर्च, टमाटर और लहसुन। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और आंच को कम कर दूंगी।
मैंने इसमें जीरा डाल दिया। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी, देख सकते हैं जीरा लहसुन हमारा थोड़ा सा लाल हो गया है। अब मैं इसमें हरा मिर्च डालूंगी। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप इसमें धनिया पत्ता और हरी प्याज हरी लहसुन भी काट करके डाल सकते हैं। पत्ता वाली जो लहसुन आता है ना, हरा पत्ता वाला, हम थोड़ा सा मीट मसाला मिलाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मीट मसाला, आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा इसमें स्वाद के लिए जरा सा मीट मसाला मिलाएंगे। मैंने अब मैं आली कटी मीट मसाला स्वाद को लगी हाल देखिए। अब मैं ये आलू का चोखा मिक्स कर दूंगी। अब इसको हम थोड़ा देर भूनने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे। अब देखिए इतना अच्छा मेरा भून गया है। अब आइए मैं आपको ब्रेड रोल बनाना सिखाऊं। मैंने ब्रेड को यहाँ चार पीस ले लिया है। मैं अभी आपको चार पीस ही बना करके दिखलाऊंगी, आप अपने घर में अपने हिसाब से बनाएं। और ये जो मैंने मसाला तैयार किया है, अब मैं एक बाउल में पानी लूंगी। सबसे पहले मैं इस ब्रेड को ये पानी में ऐसे डाल के इसे मैं हथेली पे रख के इसकी सारी पानी को ऐसे हम निकाल देंगे। अब देखो कितना अच्छा से निकल गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आलू का चोखा रख लेंगी। आप चाहे तो इसमें बादाम बादाम भी डाल सकते हैं। और फिर इसे मैं रोल बनाऊंगी अंडे के जैसे। देखिए इसी तरह जितने भी ब्रेड हैं आप लेकर के ऐसे
देख सकते हैं कितना बन गया से ये लड्डू की तरह। अंडे के आकार में बना लेंगे। होटल में ये निकाल देता है और सिर्फ इस ब्रेड का बनाता है, लेकिन मैं घर में इसे भी डाल करके बनाती हूँ ताकि ये भी क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये मेरा रोल तैयार हो गया। अब आइए मैं आपको छान के दिखाती हूँ। आप देखिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दिया है इसको गर्म होने के लिए, ताकि इसमें हम ब्रेड रोल को फ्राई कर सकें। आप एक बार घर में बना करके ट्राई करिए, आपको कैसा लगेगा सो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के लिए तेल डाल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। ब्रेड डालने के बाद आप तुरंत न चलाएं, इसको धीरे धीरे करके आप इसको घुमाएं। सादा वाला ब्रेड में, सादा वाला ब्रेड कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, और मीठा वाला ब्रेड है जो कि कढ़ाई में चिपकता है। देखिए कितना सुंदर ब्राउन कलर हो गया है। ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप घर पे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। आप ये टेस्ट करने के बाद आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। देखिए एकदम लाल हो चुका है,
अब हम इसको निकाल देंगे। एक एक करके हम इसे निकाल देंगे। रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मेरा पकौड़ा बन करके तैयार है। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए, ये आपको प्योर के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना था। इसे आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।